बुद्धिज्म में बेसिकली दो ट्रेडिशन हुए, एक पाली ट्रेडिशन और एक संस्कृत ट्रेडिशन। इसी पाली और संस्कृत ट्रेडिशन को हीनयान और महायान भी कहा जाता है। तो जो पाली ट्रेडिशन हुआ वो हीनयान माना जाता है। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझने के लिए वो ये है कि लिबरेशन ऑफ वन सेल्फ, जो खुद की मोक्ष की बात करें, जो खुद की शुद्धि की बात करें, जो खुद को अर्हंत बनाने की जो बात करें, वो हीनयान है। और जिसमें लिबरेशन फॉर ऑल की बात हो, कि दूसरों को भी मोक्ष कैसे मिले उसकी बात हो, दैट इज महायान। तो इसको संस्कृत ट्रेडिशन भी कहते हैं और ये जो पहले वाला है ये हीनयानी ट्रेडिशन है। इसमें जो हीनयानी ट्रेडिशन है इसमें सिर्फ जो पाली में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको मानते हैं, उनकी उनकी जानकारी को वो अपने उसमें मानते हैं, अपने प्रैक्टिस में लेते हैं। जबकि जो संस्कृत ट्रेडिशन है उसमें जो लेटर कमेंट्रीज हुए हैं पाली कैनन्स पे उनको भी वो आत्मसात करते हैं। जो थेरवाद है वो एक अर्लीस्ट एग्जिस्टिंग स्कूल है पाली ट्रेडिशन का, हीनयान का एक बेस्ट एग्जाम्पल है उस ट्रेडिशन का। तो ये छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको समझाया कि हीनयान और महायान जो थे उनमें बेसिक डिफरेंस क्या थे। ये पाली ट्रेडिशन और संस्कृत ट्रेडिशन दो पार्ट निकल के आते हैं। और जो त्रिपिटका है ये जो है ये हीनयान, ये पाली ट्रेडिशन का हिस्सा है। और थेरवाद के जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए ये यही सारा इनको इनके रूल्स वगैरह सब यहीं से ये फॉलो करते हैं। महायान के जो लोग हैं उनके लिए और भी सारे ग्रंथ हैं, लेकिन जो हीनयान और थेरवादी लोग हैं वो सिर्फ इसी को मानते हैं। तो हम इसमें आपको पता है कि 32 बुक्स हैं बेसिकली त्रिपिटक में, जिनको जनरली तीन हिस्सों में बांटा गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 32 बुक्स को तीन हिस्से में बांट दिया गया है। कुछ स्कूल्स ऐसे भी हुए बुद्धिज्म में जिन्होंने इस जो 32 जो 32 बुक्स हैं दे डिवाइडेड देम इनटू 5 और 7 पीटकास। पीटकास इन द सेंस इज द बास्केट और सबसेट आउट ऑफ द दीज बुक्स। राहुल सांप्रत्यायन को त्रिपिटकाचार्य कहा गया है। त्रिपिटकाचार्य वो होते थे जिनको तीनों पीटक पे एक एक, एक कमांड होता था, उनको पूरी जानकारी होती थी। सुत्त पीटक में जो है वो टीचिंग्स हैं, ये ओल्डेस्ट माना जाता है और इसमें टीचिंग्स हैं जो महात्मा बुद्ध ने बताए हैं अपने जो डिसाइपल्स थे उनको। जो विनय पीटक है उनमें मोनेस्टिक कोर्स, जब 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 मोनेस्ट्री सिस्टम आ गया और जब लोग मठों में रह के बुद्धिज्म को पालन करने लगे या फिर मोक्ष के लिए उस मार्ग को अपनाया, तब जाके विनय पीटक का उदय हुआ कि उन्हें किस तरह से कंडक्ट्स को फॉलो करने चाहिए ताकि वो आसानी से मोक्ष को प्राप्त कर सके। तीसरी बात जो हुई अभिधम्म पीटक, इसमें क्या हुआ कि जो सुत्त पीटक में जो राइटिंग्स हैं उनका फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन किया गया, उनको बार बार री इंटरप्रेट किया गया कि उसमें किस तरह से महात्मा बुद्ध ने बातें रखी हैं। तो ये मैंने छोटा सा आपको हिंट दिया कि किस तरह से त्रिपिटक की बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक है उसमें क्या डिफरेंसेज हैं और उसकी क्या क्वालिटीज हैं, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जो सुत्त पीटक है आपको पहले बताया मैंने कि दिस इज द बास्केट ऑफ टीचिंग्स। इसको सबसे पहले आनंद के द्वारा डिसाइड किया गया था। आनंद उनके एक शिष्य थे, उन्होंने सबसे पहले इसको पढ़ा था। एक्चुअली हुआ क्या कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक ओरली याद रखा गया। तो वो आनंद थे जिन्होंने सुत्त पीटक याद किया, फिर उनके डिसाइपल्स हुए उन्होंने याद रखा। और माना जाता है कि जो ये जो त्रिपिटक है ये नियरली इन द फर्स्ट सेंचुरी, अर्लीस्ट फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द एनो डोमिनी, उस टाइम इसको राइटिंग इसकी की गई, कंपोज किया गया। उसके पहले ये ओरली ही याद रखा गया था और सारा ये पास ऑन हो रहा था नेक्स्ट जनरेशन को। इसकी जो राइटिंग्स हैं उनको 5 हिस्से में बांटा गया है। इनका नाम दिग्ध निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्धक निकाय है। तो निकाय जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो सफिक्स आ रहा है ये सुत्त पीटक का आपको है पार्ट। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि निकाय जहाँ पे आ रहा है वो सुत्त पीटक का हिस्सा है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि मध्यम निकाय मैचिंग के लिए आ जाते हैं कई बार, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं इसको। जो दूसरा है वो विनय पीटक है। विनय पीटक के 3 हिस्से हैं और विनय पीटक को उपाली जो थे शिष्य, इनके दूसरे शिष्य, उन्होंने इसको याद किया हुआ था और फिर उन्होंने आगे इसको पास ऑन किया। जो 3 इसके पार्ट है, पता है आपको कि जो विनय पीटक कब डेवलप हुआ, कब इसको और ज़्यादा फोकस इस पर गया लोगों का, जबकि महात्मा बुद्ध के टाइम पीरियड में स्टार्ट हो गया था। बेसिकली जो मोनेस्ट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ जहाँ पे कि मठों में रह के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और मोक्ष के उस रास्ते को समझने की कोशिश की। तो 3 इसके हिस्से हैं, सुत्त विभंग, खंडक और परिवार। जो सुत्त विभंग है उसके 2 हिस्से हैं, महाविभंग और भिक्खुनी विभंग। तो महाविभंग जो है वो मॉन्क्स, जो मेल मॉन्क्स हैं उनके लिए, और जो 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 दूसरा है भिक्खुनी विभंग, वो है जो रूल्स उसमें लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं जो फीमेल, जो वुमेन थी, जो नंस थी जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, उनके लिए इसमें रूल्स लिखे गए हैं। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं, एलिमेंट्स हैं। आप अगर इसको देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे, तो ये लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा और आपको ये डिस्टिंक्शंस करने में आसानी होगी कि विनय पीटक में कौन सी बातें हैं, ये आप समझने की कोशिश करिए। विनय, विनय जो वर्ड है उससे भी एक रूल का एक निकल के आता है कि कंडक्ट्स की बात कर रहा है। तो ये जो डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है और ये मोनेस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मॉन्क से जुड़ा हुआ है, नन से जुड़ा हुआ है। जो तीसरा अभिधम्म का पार्ट है वो जो है वो फिलॉसफी है। जो सुत्त पीटक लिखा गया था उस पर री इंटरप्रिटेशन उसका किया गया, बार बार पुनर्विवेचना की गई उसकी, बार बार उसको अगेन एंड अगेन उसको एक्सप्लेन किया गया। सो और इसका जो स्पेशलिटी है ये है कि जो फ्यूनरल्स होते हैं बुद्धिज्म में लोगों की, जो अंत्येष्टि होती है या कोई फेस्टिवल होता है, तो उसमें इसको बार बार इसको रिसाइट किया जाता है, इसको गाया जाता है या बोला जाता है। इसको सारिपुत्र ने याद किया था ओरली और उसके बाद उन्होंने पास ऑन किया। तो 3 ये तो एक क्वेश्चन आपके लिए बन गया कि सुत्त पीटक आनंद के द्वारा, विनय पीटक उपाली के द्वारा, अभिधम्म पीटक सारिपुत्र के द्वारा पास ऑन किया गया। ये इन्होंने इसे याद किया हुआ था। इसके 7 हैं बेसिक सबसेट्स, धम्म संगनी, विभंग और धातु कथा, पुग्गल पन्नति, कथा वस्तु और यमक तथा पट्टन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इनको थोड़ा पॉज करके आप समझने की कोशिश करें। और ये बेसिक मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया, और जो वर्ड्स अंडरलाइन है उनका फर्दर इस पर रिसर्च करेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा पेपर में। तो ये छोटी सी एक डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने